समान वेतन, समान काम समान वेतन, उस पर भी अभी कोई कार्य आगे नहीं गया। और जैसे आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको भी नियमित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद बीएमएस, जिंदाबाद 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 बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जैसे आशा वर्कर्स है, आशा वर्कर के लिए भी उनका मानदेय वगैरह बढ़ाने पर बातचीत की गई थी, उस पर भी केंद्र सरकार ने अभी कुछ ज़्यादा ठोस नीति नहीं अपनाई है। और साथ में जो ठेका प्रणाली पर लिए गए, इस ठेका प्रणाली को बंद करने के लिए भी भारतीय मजदूर संघ ने कदम उठाया कि ये जो ठेका प्रणाली कर्मचारियों के ऊपर थोपी जा रही है इसको बंद किया जाए। और निजीकरण, सरकार काफ़ी कंपनी को निजी क्षेत्र में देना चाहती है जिसमें कर्मचारियों का भविष्य जो है वो अधर में लटक रहा है। ऊपर से पुरानी पेंशन योजना जो पहले मिलती थी वो भी सरकार उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। और उस पर हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने जो ये आज 3 जनवरी को पूरे राष्ट्र के अंदर में, पूरे जिला मुख्यालयों के अंदर में जिलाधीश महोदय के अध्यक्ष के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और ये तो अभी एक छोटा सा कार्यक्रम ऊपर से तय हुआ है, मगर अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि पूरे राष्ट्र के अंदर में भारतीय मजदूर संघ इन मांगों को लेकर आंदोलन भी कर सकती है। भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, ये सभी जानते हैं। हमारे इस संगठन के अंदर में हर विचारों के लोग सम्मिलित होते हैं, मगर तब भी भारतीय मजदूर संघ हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है। हम मानते हैं कि अगर राष्ट्र है तो तभी हम हैं, इसलिए केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा और माननीय हिमाचल सरकार से भी निवेदन रहेगा कि हमारी जो मांगे हैं जो भारतीय मजदूर संघ द्वारा उठाई गई हैं इनको राष्ट्रीय स्तर तक मनवाने की पूरी कोशिश करें।